इसका कंपास, इसका परिसर बहुत छोटा है, फिर भी आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप अच्छी तरह से यदि घूमते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का टाइम लग जाएगा, और यदि आप फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में आते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, इसका जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में ये 6 बजे खुलता है और शाम में ये 4:30 बजे बंद हो जाता है, तो इस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं और इस टूरिस्ट प्लेस का दौरा कर सकते हैं। What's up lovely people, this is Guru and welcome back to my channel। तो रांची के इस टूर के, दूसरे टूरिस्ट प्लेस के इस सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है, और बताना चाहूँगा फ़िलहाल हम लोग एक बहुत ही ख़ास रांची के टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे इतिहास से जुड़ा है और इसके बारे में बहुत ही नोबल हिस्ट्री है। तो चलते हैं और इस सफ़र का हिस्सा बनी और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। बात कुछ ऐसा है लवली पीपल, इस वक्त हम लोग यहाँ रांची के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस टैगोर हिल में आए हैं, और इस सफ़र का हम लोग मज़ा ले रहे हैं। आफ्टर लॉकडाउन इस टैगोर हिल का क्या नज़ारा है आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो टैगोर हिल है, बेसिकली ये एक आश्रम था पहले, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्हीं का ये आश्रम था पहले। फ़िलहाल ये उनके गुजर जाने के बाद में इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया गया है, और यहाँ पर अब जब टॉप तक जाते हैं तो इसका जो हाइट है कुल 300 मीटर हाई ऊँचा है। तो फ़िलहाल ये रांची का वन ऑफ बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। इस टैगोर हिल के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने बताया कि ये जो टैगोर हिल है ये बंद होने वाला है, मे बी ये 2-3 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा। ऐसे में ये शायद मेरा आखिरी ये ब्लॉग होगा यहाँ का और पूरे रांची शहर में, इसके बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो आई गेस ये बहुत जल्दी बंद होगा, पर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टूरिस्ट प्लेस है बंद ना हो, क्योंकि यहाँ पर रांची के बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, एज वेल एज बाहर से भी लोग आते हैं। ऐसे में अगर ये बंद हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जब इस टैगोर हिल के टॉप में आते हैं तो आपको रांची शहर कुछ इस तरह से नज़र आता है। वैसे भी मैं टॉप में पहुंचा नहीं हूं, जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो आप लोगों को मैं बढ़िया से दिखाऊंगा। एनीवेज ये नज़ारा देख लीजिए, इट्स ब्यूटीफुल। यहां इस टैगोर हिल में मैं जिस आश्रम का बात कर रहा था, मैंने बताया था कि यहां इस टैगोर हिल में रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर, यानी कि उनके जो बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं का ये आश्रम था, और उनके गुजर जाने के बाद इस जगह को रांची का टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित कर दिया गया है। और ये हमारे लिए एक अच्छा जगह है जहाँ पर रांची के जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और अपने परिवारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में एक अच्छा सा पल बिताते हैं। तो ये भी एक अच्छा ही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ टैगोर हिल में यहाँ जगह जगह इंस्ट्रक्शंस लिखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मसलन यहाँ पर लिखा है पीने का पानी, और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूँ, पहले यहाँ पर एंट्री फ़ी लगता था, बट अभी आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर कोई एंट्री फ़ी नहीं है, इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो मिलने वाला सुविधाएँ जैसे कि पीने के पानी, ये सबको बंद कर दिया गया है। तो फ़िलहाल जैसे पीने के पानी, खाने का सामान, ये सब आपको लेकर आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, यहाँ का जो सफाई का जो मेंटेनेंस है वो ज़बरदस्त है, नो डाउट इसको फ्री कर दिया गया है, बट ये जो टूरिस्ट प्लेस है अभी भी ये साफ़ सुथरा है, इसको अभी भी मेंटेन किया जाता है और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बाद बाकी ये शहर का नज़ारा देखिए इस टैगोर हिल से। लॉकडाउन के बाद दोबारा यहाँ इस टैगोर हिल में आकर के बहुत मज़ा आ रहा है, और जिसको मैं बता रहा था, ये जो टैगोर हिल है इसको बेसिकली एक चोटी के ऊपर में बनाया गया है, और इसका जो हाइट है 300 फीट है,
और यहाँ तक चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, तो आपको ऊपर तक चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा बल्कि आपको मज़ा आएगा। इस वक्त मैं टैगोर हिल के एकदम टॉप में आ गया हूँ, और आप जब टॉप में आते हैं तो आपको रांची शहर का जो व्यू है कुछ इस तरह से नज़र आता है, और ये है टैगोर हिल का टॉप। और बता दें ये जो शहर है रांची शहर बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है, पर्टिकुलरली स्पेशली उस दिन जब यहाँ बादल नहीं होता है, यानी कि जब क्लियर मौसम होता है, क्लियर आकाश जब क्लियर होता है। अब देख लीजिए ये जो शहर है काफ़ी बड़ा है, और इन कंपेरिजन टू आवर जमशेदपुर ये बहुत ही बड़ा है। आई थिंक ये उसका 5 times होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा, बाद बाकी जो शहर है बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए टैगोर हिल का हाईएस्ट पीक। आप जब यहाँ टैगोर हिल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आता है, और बताना चाहूँगा ये जो टूरिस्ट प्लेस है ये बड़ा ही आकर्षक, ज़बरदस्त, शानदार और ख़ूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। और अगर मैं यहाँ की सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैठने का उत्तम व्यवस्था मिल जाएगा, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलेगा और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि फ़िलहाल इस पार्क को फ्री कर दिया गया है, ऐसे में आपको जो पीने का पानी है, खाने का सामान है, सब बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एंट्री फी है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसे में सरकार आपको जो एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती तो नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, इट्स ब्यूटीफुल, तो हम थोड़ा सा सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, बट आएंगे ज़रूर। ये देख लीजिए टैगोर हिल का टॉप मोस्ट लोकेशन को और भी करीब से। और बताना चाहूँगा ये जो टैगोर हिल है इसका दूसरा नाम है मोहराबादी हिल, और बहुत से जो लोग हैं इसको सिर्फ टैगोर हिल के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में इसका जो अनदर नेम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है मोहराबादी हिल, बट यहाँ के जो लोग हैं उसको सिर्फ टैगोर हिल ही बोलते हैं। नाम में क्या रखा है, हमें तो जगह से मतलब है। ये देखिए रांची शहर, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे याद है हम जब पिछली बार आए थे, यानी कि बिफोर लॉकडाउन, तो हम यहाँ पर इलीगल तरीके से आए थे, क्योंकि उस समय सारा कुछ बंद था, तो हमें जो पीछे का जो दरवाज़ा होता है या फिर आप बोल सकते हैं दीवार, उसको हमें फांद करके आना पड़ा था, और उस समय भी हमें कोई टिकट नहीं लगा था। और इस वक्त जब आफ्टर लॉकडाउन यहाँ आया हूँ तो भी कोई टिकट नहीं लगा, क्योंकि इस वक्त ये जो टैगोर हिल है इसको फ्री कर दिया गया है, और इससे पहले यहाँ पर टैगोर हिल में पैसा लगता था। बट ये अच्छी बात है हमारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो भी यहाँ पर आएंगे, कि उनको यहाँ पर कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा, और विदाउट एनी चार्ज आप इस खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस का दीदार कर पाइएगा, तो ये बड़े ही सहूलियत की बात है। मैं इस वक्त टैगोर हिल के दूसरे छोर पर आ गया हूँ, और वहाँ से भी यदि आप रांची शहर को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और इसका जो साइज़ है हमारे जमशेदपुर से कहीं ज़्यादा है, और जैसे कि मैं बता रहा था आई थिंक इसका जो पेरीमीटर होगा हमारे जमशेदपुर के मुकाबले ये 5 गुना ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज ये पिकनिक का सीज़न है, इसलिए यहाँ इस टूरिस्ट प्लेस में भी अच्छा खासा भीड़ है। यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान, तो यहाँ पर हर कोई आ सकते हैं। तो मैं भी यही बोलूँगा कि जब भी आप लोग रांची आइएगा तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, इस खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये जो टैगोर हिल है ये रांची से ज़्यादा दूर नहीं है, ये रांची से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, रांची वाले भी आते हैं, तो मैं भी यही बोलूँगा एक बार आप लोगों को भी यहाँ पर आकर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो यादें हैं टैगोर जी से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में यहाँ पर आना आपके लिए गौरव वाली बात हो सकती है। जैसे कि मैं कह रहा था इस टैगोर हिल में सिर्फ चट्टान ही चट्टान है, और इसको फ़िलहाल फ्री कर दिया गया है। फ्री होने के बावजूद इसका जो मेंटेनेंस है उसमें कोई कमी नहीं रखा गया है, आपको यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छा से दिखेगा। हाँ, एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पर आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, और जो विजिटर्स होते हैं उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए होता है वो सब नहीं मिलेगा, उसके बाद बाकी सब मिल जाएगा। तो ये एक बेहतर विकल्प है रांची में कि आप लोग जब भी आइएगा तो इस
टूरिस्ट प्लेस का हिस्सा बन सकते हैं और अब जब यहाँ पर आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो टैगोर हिल है इसका कंपस, इसका परिसर बहुत छोटा है, फिर भी आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप अच्छी तरह से यदि घूमते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का टाइम लग जाएगा, और यदि आप फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में आते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, इसका जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में ये 6 बजे खुलता है और शाम में ये 4:30 बजे बंद हो जाता है, तो इस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं और इस टूरिस्ट प्लेस का दौरा कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि इस टैगोर हिल में पहले पीने का व्यवस्था था, बट जब से इस टैगोर हिल को फ्री कर दिया गया है यहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिलेगा। पहले बाद बाकी ये सब था अच्छा खासा, अब ये बंद हो गया। तो बताना चाहूँगा लवली पीपल, लॉकडाउन के बाद यहाँ इस टैगोर हिल में दोबारा आकर के बहुत ही मज़ा आया और जो एक्सपीरियंस था वो शानदार रहा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।